ओम शांति आज की तारीख है नौ पाँच तेईस और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे शिव बाबा निष्काम नंबर वन ट्रस्टी है तो हमें भी बाप समान तो बनना ही है तो हम भी पुरुषार्थ करेंगे उसे तुम अपना पुराना बैग बैगेज ट्रांसफ़र कर दो तो सतयुग में तुम्हें सब नया मिल जाएगा क्योंकि बाबा निष्कामी है तो बाबा हमसे रिटर्न की कोई आश नहीं रखते हैं इसीलिए बाबा कहते हैं सब ट्रांसफ़र कर दो प्रश्न है बाप को किन बच्चों को हर प्रकार से संभाल करनी पड़ती है उत्तर है जो निश्चय बुद्धि बन अपना पूरा पूरा समाचार बाप को देते हैं बाप से हर कदम पर डायरेक्शन लेते हैं ऐसे बच्चों का बाप को बहुत ख्याल रहता है बाबा कहते मीठे बच्चे कभी भी श्री मत में संशय नहीं आना चाहिए संशय में आया तो माया बहुत नुकसान कर देगी तो तुम्हें लायक बनने नहीं देगी गीत बजा है दर पर आए हैं कसम ले धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य नंबर एक है किसी का भी अवगुण नहीं देखना है एक शिव बाबा से कनेक्शन रख उनकी जो श्रीमत मिलती है उसे राइट समझकर चलते रहना है श्रीमत में कभी भी संशय नहीं उठाना है नंबर दो अपने तन मन धन को पूरा इंश्योर करना है कदम कदम पर श्रीमत लेनी है पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है वरदान सतगुरु मीठे मीठे बाप दादा का संस्कार मिटाने और मिलाने में संस्कार मिटाने में और मिलाने में एवर रेडी रहने वाले रूहानी सेवादारी भव मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि जैसे स्थूल सेवा में सदा एवर रेडी रहते हो जहाँ बुलावा होता है वहाँ पहुँच जाते हो ऐसे मनसा में भी जो संकल्प धारण करो या करनी चाहो उसमें भी एवर रेडी रहो जो सोचो वो उसी समय करो रूहानी सेवादारी बच्चे रूहानी संबंध और संपर्क निभाने में एवर रेडी उन्हें संस्कार मिटाने का व संस्कार मिलाने में टाइम नहीं लगता जैसे बाप के संस्कार वैसे आपके भी संस्कार हो ये संस्कार मिलाना बड़े से बड़ी रास है स्लोगन है प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना ही रॉयल आत्मा की निशानी है अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते ओ 《山地》